नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम और आप हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 127 में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस चंदन सोनार की जिसे किंग ऑफ किडनैपर्स कहा जाता है। उस चंदन सोनार की जिसने गुजरात के सोहेल हिंगुरा को दमन से अगवा किया, बिहार लाकर रखा और 9 करोड़ रुपए वसूल लिए। चर्चा तो 25 करोड़ रुपए तक की हुई। चंदन सोनार क्या है, कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था, और चंदन सोनार की गूंज कहां कहां नहीं सुनाई पड़ी है, कहां कहां की पुलिस के रोंगटे नहीं खड़े हुए हैं। तो आज हम चंदन सोनार के बारे में और जानने के लिए हम अपने सहयोगी और मेरे साथ काम कर चुके रांची के तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर नीरज ठाकुर के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम नीरज जी। चंदन सोनार की चर्चा हम करेंगे आज के एपिसोड में। जैसा आपको पता है कि सोहेल हिंगुरा का अपहरण इसने किया, लेकिन मुझे याद है कि 2009 में इसकी चर्चा रांची में बहुत खूब हुई थी, और ये एक ऐसा अपहरण था जिसमें चंदन सोनार धोखा खा गया था और नुकसान भी हो गया था। वैसे तो चंदन सोनार के बारे में कहा यह जाता है कि ये अगवा करने के बाद महीने भर तक खामोश रहता है, 15 दिनों तक खामोश रहता है, उसके बाद फिरौती की वसूली शुरू करता है। लेकिन मुझे तारीख याद आ रही है 30 जुलाई 2009 को इसने रांची के एक बहुत ही बड़े व्यापारी, यदि रांची से किसी का वास्ता रहा है तो उन्होंने पंजाब स्वीट्स हाउस का नाम सुना होगा, उन्होंने कावेरी रेस्तरा का नाम सुना होगा, उन्होंने कैपिटल हिल होटल का नाम सुना होगा। इनके मालिक हैं आशीष भाटिया, जिन्हें लोग प्यार से बंटी भाटिया भी कहते हैं। जी बंटी बाबू, उनके 22 वर्ष के बेटे जिसका नाम लव भाटिया, ओरिजिनल नाम तो अश्विनी भाटिया है, उसे अगवा कर लिया गया था। नीरज जी, आपने उस खबर को कवर भी किया था तब, आप बताएंगे चंदन सोनार ने यह कैसे किया था और रांची को थर्रा दिया था, पूरा घटनाक्रम क्या है? सही बात है, पूरे शासन प्रशासन को हिला के रखा था चंदन सोनार। उस रात याद है मुझे कि कोई काम नहीं था ऐसा विशेष, अचानक 30 जुलाई 2009 को जी हम दफ्तर में थे, तब हम दैनिक जागरण में थे। एक फोन आई मेरे एक सोर्स का कि लव भाटिया का किडनैप कर लिया गया। चौंकाने वाली खबर थी, स्वाभाविक था चौंक जाना। हम पूछे कहाँ से हो गया, बोला अभी हाँ। जस्ट सुजाता सिनेमा हॉल के पास उसे चिखते चिल्लाते सुना हाँ। गया, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ। तो उसे पूछे कि तुम कंफर्म कैसे हो कि वो लव भाटिया ही, बोला रोज हाँ। का देखना है उठना उसे था, पहचानी हाँ। कैसे नहीं, वो अपने हाँ। रेनो गाड़ी थी जिस गाड़ी से उसका अगवा किया गया था। अच्छा। और वो खिड़की से बाहर अपना सिर निकाले बचाओ बचाओ चिल्ला रहा। अच्छा, लव भाटिया ने चिल्लाया जी। हाँ। उसके बाद फिर यह सूचना मिली तो उसे फिर वर्क अपना शुरू किए। वर्क शुरू किए तो फिर जो तौर तरीका अंदाज था उठाने का, उसे सीधे चंदन सोनार हीरो पे ही जान गया। क्योंकि इससे पहले चंदन सोनार ने ऐसा पहले किया था क्या? इससे पहले 2005 में वो एक जेवर व्यवसायी को उठाया था। हाँ, परेश या कुछ नाम था ना, परेश मुखर्जी। हाँ, परेश मुखर्जी को। हाँ जी, उसको उठा लिया था मॉर्निंग वॉक के ही समय। हाँ हाँ। और उसको सर्विस में उठा लिया गया था कि वो जूता बहुत काफी कीमती पाता था। अच्छा। तो वो जूता देखा था एक ड्राइवर था, बस ड्राइवर। हाँ हाँ। वो एक विधायक का गाड़ी चलाता था। हाँ, उसकी नजर पड़ गई थी उसके परेश मुखर्जी के जूते पर। जूते तो पर, ये हाँ। गेम वो गेम ले जा करके दिया चंदन सोनार। चंदन सोनार, दिलीप सिंह नाम था उस ड्राइवर का। हाँ, नाम तक मुझे याद है। जी जी। और उसके बाद ही तय हो गया था उसको उठा लेने का। तो वो भी आपको पता ही है सारी बात। उसमें तो शायद 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली हो गई थी ना। इसमें डिमांड तो काफी हुआ था, लेकिन हाँ, उस समय रांची में सीनियर एसपी थे अनिल पाल्टा और सिटी एसपी थी सुमन गुप्ता। तो अनिल पाल्टा एक अलग अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो अपने तरीके से काम किए। लेकिन वो ये भी स्वीकार किए थे उस वक्त कि हम ये नहीं कहेंगे, ये वाहवाही नहीं लूटेंगे कि हम सही सलामत खोज निकाले,
कुछ लेन देन हुआ था नहीं, मेरी जानकारी उसमें 2,60,00,000 रुपए की डीलिंग हुई थी। नहीं उस समय जो आप जो अंदर ले लिया, लेकिन बाहरी जो पुलिस ने बचा था उस समय वो ये था कि 11-12 लाख के करीब देखे आ रहा, लेकिन ये था वो दुर्गा पूजा के समय के आसपास। लोगों के लिए सुकून यही था कि वो सही सलामत अपने घर आ गया था। तो जहां तक लव भाटिया को उठा लेने की बात, लव भाटिया को उठाने के बाद ये लोग उसको जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक खाली फ्लैट में ले गया, वो फ्लैट HEC का, जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र रांची में ही, रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र। उसके बाद वहां उसको एक कमरे में किचन में उसको हाथ पैर बांध करके ले जा। अच्छा, इसलिए सूचना पुलिस तक भी पहुंच गई थी क्योंकि लव भाटिया का नामी गिरामी व्यवसायी है, रांची के सीनियर एसपी थे परवीन सिंह, ये सूचना उनके तक पहुंची। तो हम ऐसे ही टटोलने के लिए कि क्या वाकई ये घटना पुलिस तक पहुंची या नहीं, हम सोच ही रहे थे तब तक उनका फोन आ गया मेरे पास, सीनियर एसपी का कि ऐसा ऐसा हो गया, आपसे तो छुपा नहीं होगा, कुछ अगर फीडबैक है तो बताइए। बोले फीडबैक तो लेना पड़ेगा, तो बोले चलिए जल्दी से निकालिए कुछ फीडबैक 5 मिनट। तो फिर जब हम बोले आपको क्या लगता है इससे पीछे किसका हाथ हो सकता, बोले और कौन होगा यहाँ तो एक ही है चंदन सुनार। हम बोले उसे और कई गुर्गे हैं रांची में पता है, बोले कुछ के बारे में पता है आपको सबके बारे में होगा। तो बोले पता करते हैं, टटोले, संजोग से ये सूचना मिली कि अगर रांची पटना चेक कर लिया जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ये सूचना पुलिस तक भी गई, उनका अपना सोर्स था। हजारीबाग में वो गाड़ी पकड़ा गया, मतलब हाँ हजारीबाग के बरी के आसपास। अच्छा हाँ, तो ये घटना हुई थी 30 जुलाई 2009 की रात लगभग 11 बजे, और जिस गाड़ी से अगवा किया गया था वो था रेनो गाड़ी ना जी, DGP संभवतः उस समय रेनो राम थे जी, विष्णु दयाल राम थे जी, विष्णु दयाल राम। और चूंकि जो हमारा जो था सोर्स वो गाड़ी का नंबर देख नहीं पाया था, इसलिए गाड़ी का नंबर नहीं पता चला, लेकिन रात में देर रात खबर फिर फोन आया सीनियर एसपी का कि गाड़ी पकड़ा गया, लेकिन उसमें लव भाटिया है नहीं। अच्छा, सिर्फ उसके कपड़े और कुछ सामान, सिम कार्ड भी मिल गया था ना, तो कुछ सामान मिले थे हाँ, लेकिन उसके कपड़े भी थे हाँ, उसके बाद से जो पकड़ा गया था उस गाड़ी में उसमें कोई अरविंद कुमार राय, एक राकेश कुमार और एक संतोष, ये 3 लोग थे जिसके पास से तो कपड़ा ही मिला था भाटिया का, 9mm का पिस्टल और 2 राइफल भी था जो ऑटोमेटिक था, सेमी ऑटोमेटिक राइफल ना, हाँ सेमी ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर वहां से वर्कआउट वहां भी चला, हजारीबाग में भी, यहाँ भी। उसके फीडबैक से ये लोग को पता चला रांची पुलिस को यकीन हो गया कि अपहरित लव भाटिया रांची में ही है और जगन्नाथपुर इलाके में ही कहीं छुपा कर उसको रखा गया। अब कहाँ रखा गया है ये लोकेशन पुलिस ने बड़ा टफ हो गया लेना। उसके बाद फिर जो पकड़ा गया था, क्योंकि वो भी रांची उषा, उसका कहना था कि हम लोग का ये पहला वारदात है रांची। हाँ? जो लोग हजारीबाग में पकड़े गए थे उसके फीडबैक के अनुसार ये लोग फिर वो उस इलाके में अपना गए, लोकेशन को लोकेट कर लिए वहां जगन्नाथपुर में, जगन्नाथपुर में वो HEC का एक क्वार्टर था 2 तल्ला। हाँ, हाँ। उसके बाद इसमें परवीन कुमार अपने QRT टीम को लगाए, कुछ तेज तरार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उसके बाद कुछ एक दो सिपाही थे, और उस समय हटिया के DSP हुआ करते थे राजीव रंजन ना,
जी जो आज की तारीख में डीआईजी जेट है, अच्छा हाँ, उनकी भूमिका भी इसमें सराहनीय की। पूरी एक टीम गई, टीम जाने के बाद सबसे पहले उस घर पर लोग लोकेट किया जहां लॉ वाटिया को छुपा कर रखा। मुझे मालूम हुआ था पहले ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरे इलाके की बिजली। ब्लैकआउट जब घर को कर लिया गया था, लोकेट की यही घर है, उसके बाद उस इलाके की सारी लाइट मतलब बंद करवा दी गई, बिजली उस इलाके की गुल पूरा अंधेरा छा गया और ये सब कसरत हो रही थी देर रात 2:30 बजे के बाद। अच्छा, मतलब 31 जुलाई को अब हो गया जी। हाँ, उसके बाद फिर इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में दरवाजा जब खुला जिस घर के में, उसके अंदर 3 लोग मरे पड़े थे। अच्छा, 3 लोग मरे पड़े, तीनों तीन लोगों को गोलियां लगी थी, लेकिन सूचना थी कि अपहरित लव भाटिया के साथ 4 लोग। अच्छा, पुलिस को सूचना ये थी कि 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग हैं, लेकिन वो चौथा कहाँ है? वो सारा रूम खोज लिया गया, बाथरूम खोज लिया, किचन, कहीं वो दिखा नहीं। लेकिन जहां एंट्री था वहीं पर एक प्लास्टिक का बड़ा सा ड्राम था। अच्छा, उसी ड्राम के अंदर वो छुप करके वो लड़का बैठा हुआ था। अच्छा, ड्रम के भीतर बैठा हुआ था। हाँ जी, वो ड्राम के अंदर छुप कर बैठा हुआ था, ड्राम खुला हुआ था ऊपर से। उस समय सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के भी कई अधिकारी आ गए थे। ठीक मेरे बगल में तभी स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर थे सुशील पाठक। अच्छा, आप पहुंच गए थे वहां एनकाउंटर पर? जी, हम चूंकि मेरे पास फोन आ गया था सीनियर एसपी का, आइए गुड न्यूज देते हैं आपको। अच्छा, और इसमें आपका भी अच्छा रहा, आपकी बदौलत वो सांस मिलेगा, सही सलामत मिल गया। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने मुझे भी बुलाया। तो सुशील पाठक से हमारी बात भी हो रही थी, इंस्पेक्टर सुशील पाठक से, तब तक वो उनका हाथ ड्राम के ऊपर चला गया। सीनियर एसपी का नहीं, सुशील पाठक का स्पेशल ब्रांच। अच्छा, और वहीं पे डीएसपी राजीव रंजन भी थे, कई पुलिस अधिकारी थे। अचानक वो लड़का ड्राम में के अंदर जो छुप के खड़ा था वो खड़ा हो गया। अच्छा, जो चौथा था वो ड्राम के भीतर छुपा था, अभी मिल गया। जी, वो खड़ा हो गया। हाँ, दोनों हाथ में उसका 9mm पिस्टल। अच्छा, उसके भी दोनों हाथ में 9mm पिस्टल। हाँ, दोनों हाथ में 9mm पिस्टल, बदल में कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ अच्छा अंदर क्या होता नहीं होता वो अंडरगारमेंट, हाफ पैंट पहने हुए था। अच्छा हाँ, हाफ पैंट पहने हुए था, ड्राम में हल्का पानी था, पैर में जूता भी नहीं था, चप्पल भी नहीं था, लेकिन कांप रहा था पूरा, वो हल्दी गंदम हट्ठा कट्ठा लग रहा था। तो कुछ लोगों ने वहां मौके पे जो मौजूद अफसर थे बोले इसे भी ठोक दो। कुछ लोगों ने कहा नहीं, गलत होगा, यही अपने गवाह होगा, मेन गवाह होगा ये पूरे घटनाक्रम को, बाकी को सजा देने के लिए काफी हुआ इसको, सरकारी गवाह बने। उसके बाद फिर उसके कस्टडी में ले लिया गया। फिर थोड़ी देर बाद किचन झांका गया तो देखते लव भाटिया भी बुरी तरह उल्टा पड़ा हुआ है, हाथ पैर बंधा हुआ है, उसके अच्छा। बदन पर भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ नीचे, और वो भी बहुत डर से कांप रहा था। हाँ, इतनी गोलियां चल रही थी ना। हाँ, गोलियां चल गई थी, स्वाभाविक था, रात से वो उठा लिया गया था रात में ही, और कभी ये सब घटना से वास्ता नहीं पड़ा होगा। और सामने नजदीक गोलियां चल रही थी दोनों ओर से, पूरा इलाका में पूरा बिजली गोल बत्ती गोल। इस बीच अचानक से लाइट भी आ गई, नीचे एकदम कहीं खड़े हो गई, गोलियां चलने की आवाज, और फिर ये खबर फैली कि लव भाटिया का किडनैपिंग, और ये खबर ब्रेक किया था उस समय जाकर। अच्छा, जहां आप थे काम कर रहे थे। जी जी, तो वो खबर छपने के कारण लोग ये जान भी गए थे कि कैप्टन गिल के मालिक के बेटे का किडनैप हो चुका है, और वो अभी सही सलामत मिल भी गया। कई थानों की पुलिस पहुंच गई थी, अलग अलग बड़े बड़े अफसर भी आ गए थे। तो चंदन सुनार का लोकेशन नहीं मिला जो जिंदा, चंदन सुनार का जो कस्टडी में लिया गया था उसका कहना था कि जो लोग इनकाउंटर में मारे गए उसमें 2 यूपी से बुलाए गए थे। अच्छा, जिसकी पहचान वो करने से बोला कि हम उसको सिर्फ चेहरा से जानते हैं थे, नाम से, और इस ऑपरेशन का लीडिंग यही दोनों कर रहा था, और तीसरे को भी उसने पहचानने से इनकार किया जो जिंदा पकड़ा गया।
इस कारण आज की तारीख में भी हमको लावारिस ही होगा। लेकिन हजारीबाग में जो लोग पकड़े गए थे वो कुछ फीडबैक दिए थे पुलिस को कि फौजी के नाम से ये लोग जाना जाता है। हजारीबाग में जेल का सिपाही भी पकड़ा गया था, अशोक अच्छा शर्मा। हाँ वो एक संतोष शर्मा, अशोक शर्मा, अशोक शर्मा हाँ, वो चंदन सोना के हर पाप के साथी रहा है वो। और इसमें एक सीआईएसएफ का भी रिटायर्ड जवान था, क्योंकि तो चंदन सोनार एक शातिर किस्म का किडनैपर है वो। अच्छा, और उसका जो तौर तरीका अंदाज है कि वो सबसे पहले लोकेट करता है और लोकेट करने में किसको उठाना और उठाने के बाद कितना हम इससे झड़प सकते हैं, कितना वसूल सकते हैं, और उसके बाद उसके सबसे कमजोरी को वो देखता है, इसी कमजोरी पर उसके गतिविधियां, उसके कार्यशैली, उसके मोमेंट को वो अपने किसी करीबी से वाच कर देता है। क्योंकि हमको याद है बोकारो से व्यवसायी महावीर जैन का खंडन हुआ। महावीर जैन का, हाँ महावीर जैन बड़े व्यवसायी थे बोकारो के, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी लड़की। अच्छा, ये तो चंदन सुनार में आ रहा है मामला। हाँ हाँ जी, तो चंदन सुनार कुछ साल पहले रांची जेल में जब बंद था उस समय ये लड़की का आना जाना था जेल गेट। जेल गेट लड़की का वो ध्रुवा थी और एक नटवर लाल था उसकी पत्नी थी, वो ठगने माहिर था और हर बड़े शख्सियत को हड़काने में, मेल भेजने में, ईमेल करके धमकी देने में। तो वो चंदन सोना जो जेल में बंद था उसकी नजर इस लड़की में पड़ गई। तो देखने में नाक शंक से सुंदर थी, तो उसे लगा कि इस लड़की का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया। फिर वो उसके पति से बात किया, फिर वो मना लिया उस लड़की को और उसको काम दे दिया कि तुमको महावीर जैन को उठा लेना। अच्छा, उसके बाद वो अपना फोन पे उससे कनेक्ट हुई, कनेक्ट होने के बाद हाय हेलो शुरू हुआ। उसके बाद वो उनको 50 वर्ष थे वो बंद गए और उसके बंद गए उसके जाल में। फिर एक दिन वो लड़की उसको बुलाई किया ये बाड़ी मंदिर रांची के पास, वहीं हम लोग मिलेंगे, पहली मुलाकात वहीं होगी मंदिर के पास। और ये सारी योजना पहुंच गई चंदन सोना तक। उसके बाद फिर वो तय समय पर पहुंचे वहां से, वहां से वो भी उठा लिया। अच्छा, तो इसका अंदाज मतलब ये कब कहां किसको यूज कर सकता है माहिर। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि जब जूता देख करके ये व्यक्ति को पहचान सकता है तो ये तो कुछ भी कचर, लेकिन जूता देख करके वो उसकी हैसियत को जाना। हाँ, हैसियत को जाना। जबकि अगर ये 8,000-10,000 के जूता पहन के मॉर्निंग वॉक करता है तो बाकी समय ये निश्चित तौर पे 20,000-21,000 का जूता पहनता हो, और वो निकलते था रोज सुबह 5-5:30 के बीच जीवन व्यवसाय लालपुर में ही उनका घर था, रोज मोरावादी जाते थे मॉर्निंग वॉक में, और उसी समय पटना रांची बस आती उसी रूट से। और उसका जो ड्राइवर था दिलीप, उसकी रोज नजर उसके जूते पर जाती थी। तो उसके दिमाग में ये कौंधा और ये बात वो अपना बाद में जो गुरु बना उसका चंदन सोना वहां तक पहुंचा चुका था, और इसके बाद ही योजना बना ली गई तो उसको भी उठा देती। चलिए, तो प्रेस मुखर्जी और लव भाटिया, चलिए लव भाटिया छूट गए, लेकिन रांची पुलिस चंदन सोनार को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तारी तो हुई 2011 में जाकर कर पटना में। जी, रांची पुलिस के पास चंदन सोनार के बारे में बहुत सारा जानकारी नहीं। हाँ, ये तो बिहार का रहने वाला है, हाजीपुर का जी, और एक इंस्पेक्टर थे जो अब रिटायर कर गए डीएसपी होकर के, उन्होंने काफी मशक्कत करके कुछ जानकारी उसके बारे में जुटाई थी। और बाद में जो लोकल कनेक्शन था चंदन सोनार का, जो रांची में जो अपना नेटवर्क था और उसके गिरोह से जो ताल्लुकात रखते थे, उसे 3-4 लोगों को रांची पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के। हाँ, उसमें एक चुलबुल पांडे भी था जिसकी चर्चा वाली बात तक हुई, जिसे नगरी थाना क्षेत्र के किसी अपहरण कांड में गिरफ्तार किया गया था। रांची में ही नगरी है ना वो? हाँ, वो मदन सिंह है यहाँ पे, अब बिल्डर हो गए। उनका क्रशर का बिजनेस हो गया था। हाँ हाँ, की तारीख में वो बिल्डर भी है और एक अच्छा खासा
इस प्रोग्राम में चला था, उन्हीं के बेटों का हुआ था, दो बेटों, जो बीजेपी, जो बीजेपी के नेता के बेटों का करते है ना। जी 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 अच्छा, तो वो नगरी थाना क्षेत्र से दोनों को उठाया गया था। नन्ना सुनार के बारे में आप कह रहे थे, बता रहे थे कि कुछ झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में ये, अभी उसकी गिरफ्तारी तो सिंगरौली में हुई है, कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन आप कह रहे थे कि कुछ मॉरिशस के कनेक्शन भी इसके हैं। इसमें एक बात जो रांची पुलिस फाइल में और रांची पुलिस के कुछ अधिकारी और उसके गिरोह के ताल्लुकात रखने वाले खुद बताते थे हाँ, कि हिंगोरा हिंगोरा सोहेल हिंगोरा के ये किडनैपिंग के बाद उसे बतौर फिरौती मोटी रकम मिली थी, बिल्कुल। और इस बीच बिहार झारखंड कई स्टेट के ये जिले के ये पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। हाँ, उसके बाद उसे बताया गया कि मॉरिशस में आलिशान फ्लैट किया, मॉरिशस में, मॉरिशस में, और वहीं अच्छा लंबे अरसे तक रहा। बाद में वो यहाँ भी आपका कहीं और होटल होटल भी बड़ा बनाया। हाँ, वो तो होटल बनाया है ना, सिंगरौली में रेस्टिंग हुई हुई ना सिंगरौली में। जी 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 और जब भी पकड़ा जाता है तो ये बात होती है कि उसको रिमांड पर लिया जाएगा, उसका पूरा जीवन कुंडली खंगाला जाएगा, अब तक कितने उसके नाम हैं, अपराध के लिस्ट के कौन कौन से घटने को अंजाम दिया, ये सिर्फ उसके पकड़े जाने के बाद ये बात आती है, लेकिन कब उसको रिमांड पर लिया जाता है, कौन सी बात वो उगलता है, कौन सी बात उससे आगे की कार्रवाई होती है, ये आज तक सामने से नहीं होता। यही वजह है कि घटना घटने के बाद ही पुलिस जागती है। हाँ, मतलब डिटेक्शन, डिटेक्शन में लगती है, प्रिवेंशन में नहीं लगती है। जी 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 बस यही वजह और है मुझे कि ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है नीरज जी, जैसे मैंने समझने की कोशिश की है चंदन सोनार गिरोह को, कि कम से कम ये सिक्स लेयर में काम करते हैं, जहां इन्हें अपना आसामी तलाशना होता है, मुर्गा तलाशना होता है, वहां चूहे छोड़ते हैं, फिर अगवा करने वाला कोई और होता है, मतलब इन्हीं के गिरोह का होता है जिसे ये भेजते हैं, फिर कॉल करने वाला कोई और होता, रखने वाला कोई और होता है, कॉल करने वाला कोई और होता है, पैसा लेने वाला कोई और होता है, और बंटवारा करने वाला कोई और होता है, और इन सब चीज से इसीलिए उसको किडनैपिंग का बेताज बादशाह कहा गया, हाँ, क्योंकि वो कभी भी ऐसे लोगों का मदद नहीं लेता, एक ही काम में अपने ही गिरोह लोगों को नहीं जोड़ता, नए नए लड़कों को लाता है, और लव कभी भी भाटिया को किसी बाद से में इसमें, कर कभी लव भाटिया को गाड़ी बाद में जिस इसमें, जिस हाँ गाड़ी में यह अपहरण करता है वो भी बिल्कुल नहीं होती है, एक किडनैपिंग वो भी करने बिल्कुल में नहीं। इसको 10 10 लाख रुपया खर्च करता है, अच्छा 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 एक गाड़ी जो बिल्कुल नहीं होगी कहीं भी उसको छोड़ा जा सकता है, इसका कोई ट्रस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तक पुलिस पहुंच ही नहीं सकती, इस गाड़ी का मालिक कौन, असली मालिक कौन। लेकिन मुझे याद है, मुझे याद है नीरज जी, लव भाटिया को इसने बाद में धमकाने की भी कोशिश की थी जब ये गिरफ्तार हुआ था, कि आप मेरे खिलाफ गवाही मत दीजिएगा, और लव भाटिया को हाँ, तीसरी दफे, हाँ, तो उसको डराने लगातार हड़काया भी जा रहा था, उसके पंजाब से होटल में बम भी फेंका गया था, उसके हाँ पीछे यहाँ सर्कुलर रोड में काबरी होटल में उसको वॉचिंग भी शुरू हो गया था, जिसमें रांची के कुछ छोटे मोटे जो अपराध जगत में जो नए पौध जो उगी थी उन लोगों को इस्तेमाल करता था, कि फिर भाई इसका मुझे याद आ लोकेशन रहा है देखो। 16 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016 को इसी लव भाटिया के सीने पर पिस्टल सटा दिया गया था, और कोई शिव शर्मा करके अपराधी था जिसने कहा कि गोली नहीं चल पाई थी। बाद में यह भी मसला आया कि ये शिव शर्मा जो कोई बेगूसराय का रहने वाला था, इसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई जिसमें शिवम कुमार पटना जिले के हथीना का गिरफ्तार किया गया, गणेश कुमार जहानाबाद के मखदुमपुर का गिरफ्तार किया गया, रोशन कुमार उर्फ कल्लू अरवल का गिरफ्तार किया गया, अनिल वर्मा भी बिहार, अनिल वर्मा भी गिरफ्तार किया गया, और उसमें भी स्विफ्ट डिजायर और एक झारखंड नंबर की पल्सर गाड़ी मिली थी। तो ये लगातार टारगेट पर रहे हैं। वो लोग आकर के सब बंजातों में ही एक भाड़े के मकान में रहता था, हाँ, और इसकी हर लवाटी की हर गतिविधियों को वो आवाज करता था, और बम भी फेंका था उसके होटल में जो कि फटा नहीं था, गोली भी उसके चलाई गई थी जो मिसफायर हुआ था। तो इसमें एक नाम उछला था, लोकल क्रिमिनल था, लकुश शर्मा, उसका भी हाँ, उछला था, है ना, अभी लोकू शर्मा भी जेल में है, जो कुछ दिन पहले एक इंजीनियर से 1 करोड़ की रंगदारी मांग करके रांची पुलिस के लिए नाराम कर दी थी, और जब रंगदारी दी जाती तो गोली भी मार दिया था, लंबे इलाज के बाद वो ठीक भी हुआ, लेकिन रांची पुलिस उस समय
अपना दो तीन बॉडीगार्ड उसको लगवा दिया, वो उपलब्ध करा चुके। और इसमें आपको सबसे चौंकाने वाली बात बताते हैं, चंदन सुनार को जेल के अंदर ही निपटा देने की भी योजना। अच्छा, चंदन सुनार को जेल के भीतर कौन निपटाता? ये आपको याद होगा निपटाना किसका था नहीं था, लेकिन जेल के अंदर एक पिस्टल मिला, पकड़ा गया था। अच्छा, जो बाद में पता चला था कि ये पिस्टल मंगवाया था एक डेविड नाम का बड़ा होता। कौन कौन टारगेट में? डेविड 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 का नाम। क्रिमिनल, बड़ा क्रिमिनल था वो। अच्छा, वो फर्स्ट क्लास नई पिस्टल, लोडेड पिस्टल मंगवाया था जेल के अंदर। पिस्टल पहुंचाने में एक हवलदार, जेल का ही एक सिपाही, उस समय जेल के थे अधीक्षक पुरुषोत्तम ठाकुर। अच्छा, सीनियर एसपी संभवतः अरविंद सिंह ही थे। और उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि हथियार डेविड मंगवाया था और टारगेट निपटा देना था चंदन सुनार। चंदन सुनार, अच्छा, बाद में चंदन सुनार को रांची जेल से हटा करके किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। तो ये योजना भी, ये बात भी चलकर आई कि बाद में उस संबंध, जब जेल के अंदर पिस्टल मिला तो उस संबंध को लेकर सदर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज। चलिए नीरज जी, बहुत जानकारी आपने दी है। और एक खबर ये आ रही है कि आपके यहाँ भी झारखंड पुलिस भी उसे रिमांड पर लेने वाली है, कोलकाता पुलिस को भी अपने साथ ले गई है। तो जब रिमांड पर उसे लाया जाएगा और कई जानकारियां मिलेगी तो आप मेरे साथ जरूर साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम अपने दर्शकों से इजाजत लेना चाहते हैं, आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। और एक आखिरी अनुरोध जो हम रोज करते हैं, यदि आप मेरे साथ कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्ञानेश्वर@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजें। हम अपने सूत्रों की पहचान, जो हमारे खबरी होते हैं उनकी पहचान को गोपनीय रखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।